नमस्ते दोस्तों, सपना की किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ खिचड़ी की रेसिपी शेयर करने आए हैं। खिचड़ी बनाने के लिए हमने एक कटोरी चावल धोकर ले लिया है, अरे छोटी कटोरी में मसूर और अरहर की दाल है जिसे हमने धोकर वाश कर लिया है, अरे दो कटी हुई आलू है, हरे मटर हैं जिसे हमने छील लिया है, और एक छोटी सी गोभी है जिन्हें हमने काट लिया है। देख सकते हैं हमने एक बारीक प्याज काट लिया है, दो हरी मिर्च काट ली है, आधा चम्मच जीरा है और कुछ अदरक लहसुन के पेस्ट है जिसे हमने घर में तैयार कर लिया है। तो हम खिचड़ी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। आज हम खिचड़ी जो है सिकड़ी पर बनाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने सिकड़ी पर कुकर चढ़ा दिया है, कुकर हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें 4 चम्मच के करीब सरसों का तेल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अभी हम इसमें जीरा डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और प्याज डालेंगे। इन्हें हम अच्छे से लाल होने तक भून लेंगे। प्याज हमारा लाल हो गया है, अब हम इसमें अदरक लहसुन भी डाल देंगे। हमने इसे पहले से नहीं डाला क्योंकि अदरक लहसुन ज्यादा ही लाल हो जाता। अब हम इसमें गोभी डालेंगे। गोभी को हम 2-3 मिनट भून लेंगे। गोभी को हम थोड़ी लाल होने तक भून लेंगे। अभी हमारी गोभी लाल नहीं हुई है इसलिए हम इसे थोड़ी देर और भूनेंगे। आप देख सकते हैं हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। गोभी हमारी हल्की लाल हो गई है, अब हम इसमें आलू डालेंगे। उसे भी हम 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। बीच बीच से हम इसे चलाते रहेंगे। अब देख सकते हैं हम इसमें हरी मटर डालेंगे। इसे भी हम कुछ देर के लिए भून लेंगे अच्छे से ढककर। देख सकते हैं हमारा आलू मटर और गोभी भूनकर अच्छे से लाल हो गया है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। दाल को भी हम इसी में डालकर अच्छे से भूनेंगे। इस तरह से खिचड़ी बनाकर देखिएगा दोस्तों, आपकी खिचड़ी भी बहुत अच्छी बनेगी। हम इसे 2-3 मिनट के लिए इसी तरह भून देंगे। हमने इन सभी को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें 2 बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे। स्वाद अनुसार 2 चम्मच नमक डालेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर,
अब आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे। अब हम इस चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर भून लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। ढककर हम इन्हें कवर कर देंगे। 5 मिनट हो गया है हमें इन सब को भूनते हुए। अब हम इसमें पानी डालेंगे। देख सकते हैं ये किस तरह से भून कर रेडी हुआ है, कितना अच्छा दिख रहा है। हम इसमें इस कटोरी से लगभग 2 से 3 कटोरी हम पानी डालेंगे। अच्छे से चला देंगे इन सबको। अब इसे हम कुकर का ढक्कन लगा के कवर कर देंगे 3 से 4 सीटी लगने तक। खिचड़ी हमारा बनकर रेडी हो गया है। कुकर पे हमारे 3 से 4 सीटी लग गए हैं। अब हम इसका प्रेशर निकालेंगे। देख सकते हैं दोस्तों हमारी खिचड़ी कितने अच्छे से बनकर तैयार हुई है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का के लिए हम पहले पैन गरम कर लेंगे। पैन हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। पैन हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें 2 लाल मिर्च के टुकड़े हमने इसमें डाल दिए हैं। कुछ कड़ी पत्ता डालेंगे, एक चुटकी हींग डालेंगे स्वाद के लिए। अब हम इसमें रंग के लिए 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। इससे काफ़ी अच्छा रंग आएगा। तड़का हमारा रेडी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे खिचड़ी में डाल देंगे। अब हम इसे आपको एक प्लेट में सर्व करके दिखाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों हमारी खिचड़ी कितने अच्छे से बनकर तैयार हुई है। इसके साथ हमने पापड़ और अचार भी रख लिया है। आप भी इसी तरह से बनाकर रेडी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।